नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। काउंटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। आपको ये बताया कि यूपी के बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। क्रॉस वोटिंग को लेकर आप लगातार खबरें देख रहे हैं। शुरू हो चुकी है काउंटिंग। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 395 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के लिए वोट किया है। इनमें से 3 जेल में है, 1 ने मतदान नहीं किया है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी ने मतदान नहीं किया। सपा के तीसरे उम्मीदवार आलोक सुरंजन की हार तय मानी जा रही है। इसके साथ ही क्योंकि जो धीरे धीरे तस्वीर है वो काउंटिंग के बाद आपको स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो भी हो सकता है कि आपका सटीक साबित हो, क्योंकि क्रॉस वोटिंग को लेकर संभावनाएं सबसे ज्यादा इस बार। लाल सुमन और जया बच्चन की जीत तय मानी जा रही है। तो अभी तक सियासी समीकरण राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर क्या माने जा रहे हैं उसे लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो एक करारा झटका झेल चुकी है हाल ही में, 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, आंकड़ा बहुत ज्यादा है। कार्रवाई की बात एक बार फिर से अखिलेश यादव के मुख से सुनाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह बिखरता हुआ देखना बहुत मुश्किल समय। राज्यसभा चुनाव के नंबर गेम ने अखिलेश का ऐसा गेम बिगाड़ा कि अपने भी अब बेगाने हो गए। योगी की नीति और रणनीति से ऐसे चक्रव्यूह की रचना हुई जिसमें अखिलेश के किए कराए पर पानी फिर गया और 8वें प्रत्याशी के रूप में जो दांव संजय सेठ पर लगा उससे अखिलेश यादव भारी तनाव में आ गए। तभी एक एक कर अखिलेश के करीबी मुंह मोड़ते गए और समाजवादियों की बेचैनी बढ़ती चली गई। राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश के पूर्व सिपह सलार संजय सेठ जैसे ही बीजेपी के शतरंज का मोहरा बने, अखिलेश जीती बाजी वहीं हार गए और फिर बैक टू बैक क्रॉस वोटिंग ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। राकेश प्रताप सिंह बागी हो गए। अभय सिंह भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने चले गए। मनोज पांडे ने भी क्रॉस वोटिंग की। राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और पूजा पाल के भी वोट बीजेपी प्रत्याशी को ही मिले। ये वो चेहरा है जिस पर अखिलेश यादव आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि ये वही लोग हैं जो उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे, और जब मौका मिला तो उन्होंने सारा गेम ही पलट दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। परमात्मा के आवाज पे वोट किया है, वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। देखिए कोई हिप नहीं होती इसमें, जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया। अखिलेश यादव अब चौतरफा घिर चुके हैं। ना वो बागी विधायकों को संभाल पा रहे हैं, ना ही उनके पास कोई एजेंडा है जिससे एक बार फिर समाजवादियों को एकजुट किया जा सके। ऐसे में अब कुछ बचा है तो वो है बयानबाजी और एक्शन की चेतावनी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। यूपी में एसपी के कमजोर होने का संकेत साफ है। इसका असर इंडी गठबंधन पर भी पड़ेगा, लिहाजा असर मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। कांग्रेस ये उम्मीद लगा रही थी कि एमपी की जो सीमाएं यूपी से सटी हुई हैं, उन पर इंडी गठबंधन को फायदा होगा। अजराहो की सीट इसी रणनीति के तहत एसपी के खाते में दी गई थी। कमजोर एसपी से कुछ फायदा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अब नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां बीजेपी के लोकसभा चुनाव पर बैठक लगातार चल रही है। प्रत्याशी के नामों पर रायशुमारी को लेकर जानकारी, सभी पदाधिकारी 3 नाम दे रहे हैं। भोपाल से वीडी शर्मा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगने की तैयारी है। कुछ देर में कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी, रायशुमारी पर आए नामों पर चर्चा की जानी है। तो ये बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर लगातार ये प्रयास कर रही है कि पहले से ही मैदान में योद्धा
उतार दिए जाएं और इसी के लिए तमाम कवायदे आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने वाली है, रायशुमारी में आए नामों पर चर्चा संभव है। तो आपको बताएं कि पैनल में कौन कौन से नाम शामिल हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास आपको करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर पहले से ये प्रयासरत रहती है कि ऑपोजिशन से पहले हम अपने उम्मीदवारों को पहले उतार दें, जिससे जनता के बीच माहौल बन सके उनके समर्थन में। अपना नाम भी लिख दो। तो लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कवायद में कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सके, लेकिन उससे पहले पैनल में कौन कौन से नाम शामिल हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाई दे रहे हैं। पैनल में 5 से 6 नाम हैं जो इंक्लूड किए गए हैं, इन्हीं नामों को लेकर चर्चा होनी है। सबसे मुख्य तौर पर जो नाम सबसे पहले सामने आता है वो वीडी शर्मा का है, क्योंकि फिलहाल में सांसद भी हैं और अच्छी पकड़ भी रखते हैं जमीनी स्तर पर, इसलिए हो सकता है कि उनकी तरफ से भी जरूर दावेदारी पेश हो। सुमित पचौरी दूसरे नंबर पर, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष के तौर पर फिलहाल काम कर रहे हैं। कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, इनका नाम भी शामिल है, हो सकता है कि इनको भी पार्टी मैदान में उतारे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। पूर्व महापौर रहे आलोक शर्मा, वो भी दावेदार माने जा रहे हैं, हो सकता है कि पार्टी इनके नाम का ऐलान भी करे। पूर्व सांसद आलोक संजर पैनल में शामिल है। 5 से 6 नाम है लोकसभा सीटों को लेकर, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कवायद कर रही है कि कहीं ना कहीं नामों का पैनल जो है उससे फाइनल उम्मीदवारों का ऐलान हो। बहरहाल कुछ और खबरों पर आपको जानकारी दें, राहुल गांधी का जिक्र कर लेते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश करने के लिए तैयार, और उज्जैन में राहुल महाकाल मंदिर में दर्शन सबसे पहले करेंगे। तो राहुल की यात्रा पर एमपी में सियासत जमकर शुरू हुई है और बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया, जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 2 मार्च से शुरू होने जा रही है। राहुल की यात्रा को एमपी में भव्य बनाने के लिए कांग्रेस जुट गई है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मुरैना पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जीतू पटवारी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस दौरान जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। मैं मानता हूं ग्वालियर चंबल संभाग की माटी ये अद्भुत अकल्पनीय स्वागत सत्कार और साहस के लिए जानी जाती है। बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पर्ची के मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि क्राइम पे, करप्शन पे और कर्ज पे अंकुश लगाए। 5 मार्च को राहुल गांधी यात्रा के दौरान उज्जैन पहुंचेंगे और इस दौरान वो महाकाल का दर्शन भी करेंगे। राहुल के महाकाल दर्शन और यात्रा को लेकर बीजेपी हमलावर है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अब भगवान और जनता दोनों की याद आ रही है। राहुल के महाकाल दर्शन को इंदर सिंह परमार ने नौटंकी करार दिया, साथ ही लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा भी ठोक दिया। देखिए कांग्रेस को अब सब याद आ रहे हैं, कांग्रेस को भगवान भी याद आ रहे हैं, जनता भी याद आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान के बगैर किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस एक प्रकार की नौटंकी के साथ में भगवान के यहाँ भी जाने की कोशिश कर रही, जनता के यहाँ भी जाने की कोशिश, लेकिन भगवान भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि हमारा भला नहीं होने वाला, भगवान उनका भला नहीं करने वाले हैं। ये राहुल गांधी स्वयं जानते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम करने का उनका अधिकार वो करते रहे। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, ऐसे में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी जीत की उम्मीद कर रही है। राहुल की यात्रा मुरैना से शुरू हो रही है, ऐसे में यात्रा के असर को लेकर बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बनाई है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा मुरैना में हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं। कहते हैं सियासत में इत्तेफाक कम ही होते हैं, लेकिन रणनीति ज्यादा असरदार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो ग्वालियर चंबल अंचल का जिक्र है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कितनी सटीक तैयारी के साथ उतरी है ये भी आपको बताएं। टिकट का बंटवारा हालांकि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रणनीति के साथ साथ, पुराने नेताओं के साथ सिंधिया समर्थक करीबी हर एक सीट पर टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए,
ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट के कई दावेदार हैं, खासकर सिंधिया समर्थक तकरीबन हर सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदारों की बात करें तो ग्वालियर से सिंधिया के चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं, गुना से महेंद्र सिंह सिसोदिया, जजपाल सिंह जज्जी दावेदार, मुरैना से गिरिराज तंडौते का नाम सुर्खियों में है। भिंड से इमरती देवी चुनाव लड़ना चाहती हैं। इमरती देवी विधानसभा का चुनाव हार गई थी और पिछले दिनों इमरती ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान भी दिया था। उनका कहना था कि पार्टी अगर टिकट देती है तो चुनाव के लिए वो तैयार हैं। अगर बड़ा नहीं रहे होते तो इमरती देवी यहाँ कहाँ खड़ी होती, नहीं खड़ी होती। नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो जानती हूँ कि जब तक मेरे वरिष्ठ नेतृत्व मेरे से आदेश नहीं करेंगे, मैं किसी गांव में भी नहीं गई और न जाऊंगी। हाँ, भिंड से मैं 14 में चुनाव लड़ी थी लोकसभा कांग्रेस पार्टी से, फिर चुनाव लड़ूंगी। वहीं सिंधिया समर्थकों की हर सीट पर दावेदारी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है और ग्वालियर चंबल में गुटबाजी के आरोप लगाए, साथ ही उम्मीद भी जताई कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में अगर लोकसभा टिकट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पसोपेश में है। सिंधिया जी के जितने समर्थक हैं वो अपना अपना बायोडाटा लिए घूम रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। कई कोई गोड़ा से सिंधिया समर्थक टिकट मांग रहे हैं लोकसभा का, तो मैं समझता हूँ मुरैना से मांग रहे हैं, भिंड से भी मांग रहे हैं, ग्वालियर से सिंधिया जी खुद ही प्रयास कर रहे हैं, तो लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर नहीं है। माननीय सिंधिया जी, आपने बहुत लोगों का, बहुत नेताओं का मुख्य धारा से हटा करके, जो जिनने पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित किया, आपकी भावनाओं में आकर के वो भाजपा में चले गए, लेकिन अब अपनी बात भी नहीं कह सकते वो। ग्वालियर चंबल संभाग में लोकसभा की 4 सीटें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के साथ बीजेपी के साथ रहे नेता भी लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए टिकट का बंटवारा किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और अब मध्य प्रदेश की बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। कांग्रेस संगठन के लिहाज से एक बड़ी जानकारी है, बड़े बदलाव की सुगबुगाहट संगठन में नजर आती है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नए लोगों को जिम्मेदारी देने की बात कही। कहा यह जा रहा है कि 12 से ज्यादा जिला अध्यक्षों की छुट्टी होने वाली है। देखिए, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे। अब जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, माना ये जा रहा है कि जल्द संगठन में बड़े बदलाव होंगे। कहा यह जा रहा है कि रायपुर समेत 12 जिला अध्यक्षों की छुट्टी कर दी जाएगी। संगठन का फोकस उन जिलों पर है जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, मसलन रायपुर शहर और ग्रामीण, दुर्ग, कवर्धा, बलौदाबाजार, महासमुंद, बलरामपुर, कोरिया, सरगुजा, रामानुजगंज, बैकुंठपुर, कोरबा, शक्ति, राजनांदगांव ग्रामीण, बिलासपुर जैसे जिलों में नए कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बहुत ही जल्द संगठन में बदलाव होगा। कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ताकि संगठन में और मजबूती के साथ कसावट आ सके। लोकसभा चुनाव में पार्टी नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना चाहती है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी ने नाम तय कर लिए हैं, हाई कमान के हरी झंडी के बाद घोषणा कर दी जाएगी। यही नहीं, खाली पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी संगठन में बदलाव लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इन बदलावों में संगठन में कसावट आएगी? क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा? ये सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और अब कांग्रेस नेता कमलनाथ की बात करेंगे, जिनके बीजेपी में जाने की अटकलें बीते दिनों खूब उड़ी, लेकिन इन अटकलों को लेकर सफाई अब कमलनाथ की तरफ से। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने की बात मैंने कभी नहीं की, आप ही कह रहे थे मैंने कभी नहीं कहा, यानी कि कुल मिलाकर मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए हैं। अटकलें लगाते रहते हैं, पूछते रहते हैं आप, मैंने अपने मुख से कभी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, ये कहना है कमलनाथ का। तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी ये बात? नहीं, कभी नहीं सुनी। कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तो तुम लोग ये चलाते हो और तुम मेरे से पूछते हो? तुम लोग चलाना बंद करो। सबसे पहले खंडन की खंडन आप लोग करिए। और इधर हिजाब पहनने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दे दिया है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, छात्रों से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान एएमयू की एक छात्रा ने राहुल से सवाल पूछा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या आप हिजाब पर अपना वक्तव्य स्पष्ट करेंगे, आपका नजरिया क्या होगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि इस पर महिलाएं जो पहनना चाहती हैं वो पहनने का पूरा अधिकार उन्हें देना चाहिए। तो राहुल गांधी की तरफ से ये बयान, एक तरफ आपने देखा था भारतीय राजनीति में हिजाब को लेकर जमकर बयानबाजी बीते सालों से होती आई, लेकिन जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद राहुल गांधी पहुंच गए तो एक छात्रा की तरफ से इस पर सवाल कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हिजाब को लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, क्या नजरिया रखेंगे। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि महिलाओं को जो पहनना है, जो वो पहनना चाहती हैं, उन्हें अधिकार होना चाहिए। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है, क्या अबाया और हिजाब उतार देखिए मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। What you wear is your responsibility and your decision. I don't think anybody else should be deciding it. तो राहुल गांधी के हिजाब समर्थन पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमला। गिरिराज सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी पर लोगों को भड़काने के आरोप लगाए, गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के सामाजिक सौहार्द को खराब करने का एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। क्या कुछ कहा है सुनाइए आपको। राहुल गांधी व्याकुल भारत है, उन्हें लग रहा है एक देश में एक कानून ना रहे, एक देश में सामाजिक सौहार्द ना रहे, इसीलिए दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। ये कानून का देश है, कानून से काम चलता है और कानून ही काम करेगा। राहुल गांधी वोट के खातिर व्याकुल भारत है। और इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन आते हैं।